चलिए भी एक नजर डाल लेते हैं नागौर जिले की ओर, जहां के मकराना रेलवे स्टेशन से खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि दो बुजुर्ग वहां पर सो रहे थे रेलवे स्टेशन के दौरान, लेकिन वहीं पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने एक के साथ में मारपीट की है, और मारपीट इस कदर तक की गई है कि उसका वीडियो भी हम आप सभी को दर्शाने वाले हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लात और घूंसे उसके मुंह के ऊपर भी मारे जा रहे हैं। और वहीं इस पूरी घटना के बाद में उस व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन जब जांच इसमें सामने आती है, तो जांच के अंतर्गत सामने यह आ रहा है कि उसकी व्यक्ति की मौत जो हुई है उसकी पिटाई की वजह से मौत नहीं हुई है। तो हालांकि पिटाई की वजह से मौत नहीं हुई, तो फिर किस वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई है, इन सभी की तमाम जानकारी मैं आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट से दूंगा। लेकिन फिलहाल पहले नजर डलवाऊंगा आप सभी को उस वीडियो की ओर, आखिरकार किस प्रकार से उस बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। आरपीएफ कांस्टेबल दो बुजुर्गों का रेलवे स्टेशन पर सोना इतना नागवार गुजरा है कि उसने दोनों को लात घूंसे मार और गालियां दी हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया, वीडियो नागौर के मकराना रेलवे स्टेशन का है। आरपीएफ कांस्टेबल स्टेशन पर सो रहा दो बुजुर्गों पर बेरहमी से लात घूंसे बरसा रहा, तो वहीं गालियां भी दे रहा है, और मामले ने इसको तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जिन बुजुर्गों की पिटाई की है उनमें से एक की मौत हो गई है, और दरअसल रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में एक शव मिला है। हालांकि अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि मौत से पिटाई का कोई लेना देना नहीं। वीडियो करीब दो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। तो मकराना रेलवे स्टेशन पर दो बुजुर्ग सो रहे थे, तभी एक आरपीएफ कांस्टेबल आया और सोते सोते बुजुर्गों को पीटने लगा, लाते घूसे मारी, तो वहां मौजूद लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल नहीं माना। लोगों ने टोका भी, इतना मारोगे तो यह मर जाएगा। इसके बाद भी कांस्टेबल गालियां देते हुए मुंह पर लात और घूसे मारता रहा। इसके बाद घसीटते हुए उसे स्टेशन के बाहर कर दिया, और जीआरबी रीडर किशन सिंह ने बताया कि मकराना रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में एक बुजुर्ग भिखारी का शव भी मिला है। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान अब्दुल अजीज के तौर पर हुई, और परिजनों का पता लगा करके पोस्टमार्टम के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो वहीं जीआरपी रीडर किशन सिंह से मारपीट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला मुझे मामले की जानकारी ही नहीं है। वहीं जीआरपी के जोधपुर सीओ प्रेम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वीडियो में दिख रहा आरपीएफ कांस्टेबल है जो दो तीन दिन पुराना है, अभी इस घटना की जांच जारी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।